दिल्ली में पेट्रोल के दाम पहुंचे 100 के पार। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए। आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये 25 पैसे है। कहा जाए तो पेट्रोल के दामों में आग लगी हुई है और साथ ही साथ डीजल भी 89 रुपये 53 पैसे का हो गया है, जिस पर जनता सरकार पर गुस्साई हुई है। तस्वीरें हम आपको लाल कुआ के पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं, जहां पर जनता पेट्रोल के बड़े दामों से परेशान है, मगर पेट्रोल भराने के लिए भी लाचार है। लोगों का कहना है कि लगातार हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं, जिस पर सामान्य जीवन यापन में भी मुश्किल आ रही है। लोगों ने कहा है कि लगातार सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, जिस पर जनता की जेब पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है। और आपको बता दें, पिछले 35 दिनों में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोग लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वो जहां कहीं 80 रुपए का पेट्रोल भराते थे और कई दिनों तक चलाता था, मगर अब 100 में 1 लीटर पेट्रोल हो गया है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है और जेब पर भी काफ़ी लोगों के फ़र्क पड़ रहा है। लोगों ने सरकार को कोसते हुए कहा कि बाकी चीज़ों पर तो दाम बढ़ा ही रहे हैं और जो रोज की जरूरत की चीज़ें हैं उस पर भी दाम बढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो अपनी बाइक लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, उन्हें सोच समझ कर निकलना होता है, क्योंकि पेट्रोल के दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब दिल्ली में भी पेट्रोल 100 के पार हो गया है। तो लोगों को ना कहीं वाहन निकालने से पहले डर बना रहता है। जैसे कि लोगों का कहना है कि लगातार सरकार इन सब सामान्य चीज़ों पर दाम बढ़ाते जा रही है, जो उनकी रोज की जरूरत की चीज़ें हैं उन पर दाम बढ़ाते जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शिव यादव है। कितना फर्क पड़ रहा है आज? 100 रुपये प्रति लीटर हो गया पेट्रोल दिल्ली में। काफ़ी फर्क पड़ रहा है पेट्रोल को लेके, तो हर एक शख्स परेशान है आज के टाइम में पेट्रोल को लेके। काफ़ी महंगाई काफ़ी ज़्यादा छू चुकी है। अब आपको पता है, कोई भी जो 10,000 रुपये की जॉब कर रहा है या 50,000 रुपये की कर रहा है, सब बाइक वगैरह से ट्रेवल करते हैं और पेट्रोल को लेके काफ़ी परेशान है सब। और आज के टाइम में आपने देखा है, कोविड को लेके जॉब भी नहीं है किसी के पास, और जॉब जो मिल रही है वो आधे सैलरी पैकेज पर मिल रही है, काफ़ी कम पैकेज पर मिल रही है, तो वहाँ पे भी परेशानी है। एक तो देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो गृहस्थी चलाने में भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी आ रही है। जहाँ पहले मंथ में 4,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा था, वहाँ आज के टाइम में 7,000-8,000 रुपये का पेट्रोल लग रहा है, वो भी डबल हो चुका है कहीं ना कहीं। उससे भी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी आ रही है पेट्रोल के लिए। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? पेट्रोल थोड़ा कम हो जाए तो ठीक रहे, यही उम्मीद रहेगी, पेट्रोल के दाम कम किए जाएँ। हिमांशु सिंह, आज दिल्ली में 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है, किस तरीके से देखते हैं कि आगे क्या महंगाई बढ़ेगी और कितना जेब पे इससे फ़र्क पड़ रहा है? जेब पे तो इस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है और आम जनता के लिए तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि आप डेली पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसके कोई रीज़न नहीं है कि क्यों, रीज़न क्या है, क्यों अपने बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा है कि क्यों रेट बढ़ रहे हैं। आप GST सब पे अप्लाई करते हैं लेकिन इस पे अप्लाई नहीं कर रखा है, तो उसका भी रीज़न हो चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। और आम जनता इस वजह से और ज़्यादा परेशान है। तो अभी पेट्रोल अभी 80 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये आज सेंचुरी करा दी है, तो ये दिक्कत बढ़ती ही जा रही है आम जनता के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आम जनता के लिए। जो यहाँ के गरीब लोगों हैं, जो डेली आने जाने वाले हैं, उनके लिए तो दिक्कत है। मेरी गाड़ी देखिए, मेरी गाड़ी का भी आज मैंने 250 रुपये का तेल डलवाया है, तो उसमें मैं कम 330-340 किलोमीटर प्रति लीटर में जाता था, अब मैं 250 रुपये में, अब मैं 50 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये दिक्कत है आम जनता के लिए भी, दिक्कत कर रही है। इस पर मैं तो ये कहूँगा कि सरकार से अनुरोध है कि इस पर थोड़ा कंट्रोल करें, आम जनता की भी समस्याओं को समझें और इस पे क्या संदेश देंगे सरकार को? संदेश तो मैं देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि इस पे एक जो आपको बनाना है, अगर रेट बढ़ाना है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया क्यों बढ़ रहा है रेट, उसके रीज़न देने चाहिए। इस पे सरकार को अपने पब्लिक के साथ बात करनी चाहिए कि कैसे बढ़ाए जाएँ या क्यों रेट हैं। अब स्टेट टैक्स अलग आता है, यूनियन टैक्स अलग है, उस पर एक्साइज अलग ले रहे हैं, तो आप रीज़न बताइए ना कि क्यों बढ़ रहे हैं रेट। आपके पास वो कोई रीज़न नहीं, आप बोल रहे हैं पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अदर वेलफेयर के लिए हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन वेलफेयर कहाँ खर्च हो रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलता। तो ये चीज़ें हैं, आपको जनता के सामने ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। अगले चुनाव में आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, आज 100 रुपये तक पहुँच गया है, किस तरीके से देखते हैं इसको, कितना भारी पड़ रहा है जेब पर? बहुत भारी, बहुत ज़्यादा। 75 रुपये था आपको गाड़ी लेने वाला था, मैं अब CNG की गाड़ी लूँगा, इसी को देखते देखते पेट्रोल तो लूँगा ही नहीं, या तो डीजल लो या तो CNG की गाड़ी लो। फर्क पड़ा है इन दोनों स्थिति में? क्या चीज़? इन दोनों स्थिति में कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, कितना क्या, जमीन आसमान का फर्क है ये तो। सरकार को इतना नहीं करना चाहिए, करे लिमिट में करे, पर इतना नहीं। नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। 100 रुपये पेट्रोल हो गया है दिल्ली में, किस तरीके से देख रहे हैं, महंगाई कितनी है, कितनी दिक्कत होती है घर चलाने में? मतलब दिक्कत ही है, जब पेट्रोल महंगी हो जाती है, डीजल महंगा हो जाता है, तो सब चीज़ महंगी हो जाती है।
लेकिन सरकार इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही जो है। जब सरकार जो जब ये बीजेपी पार्टी जब सरकार में थी नहीं, तो सन 1973 की बात है कि जब पेट्रोल जो है 7 पैसे महंगा हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है यानी बैलगाड़ी में बैठकर संसद तक यानी पैदल मार्च किया था, जो यानी बैलगाड़ी में बैठकर के विरोध किया था। आज उसी पार्टी की सरकार है तो विरोध क्यों नहीं कर रही जो है? इतना महंगा मतलब हर सामान इतना महंगा क्यों है जो है? हर चीज़ महंगी है। पहले कितने का भराते थे, अब कितने का भराते हैं, कितना मुश्किल हो गया है पहले से? मतलब पहले जो है जब हम उतने पैसे का लेते थे तो हमारी गाड़ी मतलब जो 3 दिन चलती थी, आज सिर्फ 2 दिन चल रही है। अब ये खर्चा आएगा कहाँ से जो है? अगर सरकारी नौकरी वालों को तो सरकार ये देखती है कि सर हमने तो जो है तनख्वाह बढ़ा दी जो है, तो वो तो सरकारी लोगों के लिए ना, जो प्राइवेट आदमी है वो जॉब कर रहा है जो है उसकी तनख्वाह कहाँ बढ़ती है? उसका तो काम धंधे बंद हो रहे हैं जो है, जब से मोदी सरकार आई है जब तक जनता के सामने कितनी दिक्कतें हैं जो है? पेट्रोल का प्रभाव पूरी तरह से जीवन में पड़ा है। मतलब पेट्रोल का हर चीज़ का मतलब सस्ती है क्या चीज़ है? जब ये सरकार मतलब जो है जब बीजेपी पार्टी सरकार में थी नहीं, तो क्या बोलते थे कि ये चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है, वो चीज़ महंगी है जो मतलब सब कुछ नहीं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही सरकार जो है।